जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 6:32 हुए इवनिंग की, 6:32 PM, और आज 29 तारीख है, बुधवार 29 अप्रैल, 6:32 PM। और अभी हम स्टडी करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को लाइन चार्ट से। तो सबसे पहले कुछ लोगों को याद आ जाएगा, मैं याद दिला देता हूँ फिर से कि ये लाइन चार्ट आपको मैंने दिखाया था। लाइन चार्ट में क्या होता है कि क्लोजिंग प्राइस, ओनली क्लोजिंग प्राइस आती है, हर दिन की क्लोजिंग प्राइस से कनेक्शन होता है। एक आज की क्लोजिंग प्राइस एक पॉइंट हो जाता है, कल की क्लोजिंग प्राइस एक पॉइंट हो जाता है, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया जाता है लाइन से, इसको बोलते हैं लाइन चार्ट। तो आप लोग को याद आया होगा, मैंने ये काफ़ी दिन पहले आपको ये दिखाया था कि इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना हुआ है और इसका टारगेट 9600 बनता है। ये मैंने आपको कम से कम भी 10 वीडियो में पहले बोला होगा, पिछले 20 दिन के 10 वीडियो में बोला होगा कि 9600 तो कुछ भी हो जाए आएगा ही आएगा, याद आ गया होगा। तो अब मैं दिखाता हूँ, वापस आपकी यादाश्त तेज करता हूँ। लाइन चार्ट में एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर, लाइन चार्ट का मतलब होता है हर दिन की क्लोजिंग। इसमें जो लोवेस्ट क्लोजिंग है वो 7610 है, क्योंकि निफ्टी जिस दिन 7511 भी गया था उसके पहले दिन 7610 का क्लोजिंग दिया था। तो इसमें खाली क्लोजिंग प्राइस आती है। अब अगर आप इसको देखो, ये नेक लाइन मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ, ये नेक लाइन जो है ये यहाँ आती है, ठीक है, और ये हो गया इनवर्स शोल्डर, ठीक है, इनवर्स हेड। जो लोग हेड एंड शोल्डर के बारे में जानते हैं और इनवर्स हेड एंड वो समझ जाएंगे, और ये इनवर्स शोल्डर, ठीक है, और ये इसकी नेकलाइन होगी। तो नेकलाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट आया, यहाँ पे ब्रेकआउट आया, यानी कि ये एग्जैक्ट पॉइंट होता है 8600, ठीक है, इस जगह ब्रेकआउट आया, यानी कि 8600 पे ब्रेकआउट आया, और इसका लो था 7610। क्लोजिंग बेसिस समझिए आप लोग, लोवेस्ट क्लोजिंग आज तक निफ्टी की आई है 7610 की, जो आई थी 23 मार्च को। ऊपर आपको दिखेगा डाटा में, मैं यहाँ पे लाइन लाता हूँ, 7610 आपको दिख रहा है क्लोजिंग 23 मार्च की, 23 मार्च 7610, और इस दिन ये ब्रेकआउट हो गया था। इस दिन था 7 अप्रैल, जिस दिन निफ्टी ने 8792 की क्लोजिंग दी थी 7 अप्रैल को। इस दिन का मेरा वीडियो भी चेक कर लो, मैंने उसी दिन बोल दिया था कि मिनिमम 9600 जाएगा निफ्टी। 7 अप्रैल का कोई भी वीडियो में मेरा जरूर बोला होगा, आप चेक कर लेना। और क्यों बोला था, क्योंकि देखिए इन दोनों की जो हाइट है, ब्रेकआउट की और ये लोवेस्ट क्लोजिंग की, वो 1000 पॉइंट की है। 7610 लोवेस्ट पॉइंट है और 8600 के आसपास, 620 के आसपास ब्रेकआउट है। तो पूरा एग्जैक्टली 1000 पॉइंट बढ़ना था। तो आप देखो निफ्टी बिल्कुल आज की हाईएस्ट, आज का हाईएस्ट पॉइंट कहाँ चला गया निफ्टी, 9600 के आसपास, ठीक है। तो आज उसने इस टारगेट को पूरा कर दिया, इसकी इनवर्स हेड एंड शोल्डर को। अब इसमें एक रेजिस्टेंस लाइन भी हम ड्रॉ करते हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर भी निफ्टी ने एक ब्रेकआउट ले लिया क्लोजिंग बेसिस में भी, वो भी मैं दिखाता हूँ। तो निफ्टी तो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, लेकिन एक डाउन ट्रेंड आ भी सकता है। चलिए हम यहाँ से एक ड्रॉ करते हैं, इस जगह से मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ। इस हाई से मैंने इस हाई को लिया, तो आगे अगर जब मैं ले जाता हूँ इसको लाइन को, तो कहीं ना कहीं देखिए ये टॉप और ये टॉप मैंने जोड़ा है, ये टॉप से ये टॉप क्लोजिंग बेसिस वाला। तो आप देखो आज का जो क्लोजिंग आया, कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट आया। इसमें ब्रेकआउट पॉइंट क्या बन रहा था, देखिए आप इस जगह, इससे ऊपर क्लोज करने का मतलब ब्रेकआउट होता है। किससे ऊपर, इस पोर्शन से 9472 के ऊपर क्लोजिंग का मतलब है ब्रेकआउट। तो आज क्लोजिंग बेसिस एक ब्रेकआउट मिला निफ्टी को,
तो अब जब भी ये 9400 के आसपास आएगा आपको बाई कर लेना है इसको। जब भी ये 9400 के आसपास आएगा आप इसको बाई कर लीजिए। और इस ब्रेकआउट का मतलब है कि निफ्टी कम से कम भी जो टारगेट बता रहा है वो बता रहा है निफ्टी में, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट मारा आज, लेकिन इसका जो इनवर्स हेड एंड शोल्डर का टारगेट वो हो चुका है। तो अब निफ्टी को सपोर्ट कहाँ पे है? निफ्टी को सपोर्ट है इस जगह। निफ्टी किसी भी हालत में अगर ये लेवल तोड़ देता है तो निफ्टी बहुत ही ख़राब हो जाएगा। ये है लेवल 9050 के आसपास, समझ में? तो ये ब्रेकआउट बहुत काम का है। अब देखो ये क्लोजिंग बेसिस, यहाँ पे चार्ट देखो तो ये कहीं ना कहीं एक चैनल बना जो फैल रहा है। चैनल फैलने का मतलब है कहीं ना कहीं निफ्टी तैयार है एक बड़ा रैली का। तो इस चैनल का हाइट देखें हम लोग, इस चैनल में ये लो था 9000। निफ्टी 9800 तक बिल्कुल जा सकता है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब हम बैंक निफ्टी को स्टडी करते हैं इसी तरीके से, लेकिन करेक्शन पे लीजिए, 9400 के आसपास इसको लीजिए। और जो हमारा फिगर आया था 9200 कुछ का, वो आज हमने निकाला था वो। अब इसमें देखिए, आप इसमें ध्यान दीजिएगा, एक हेड एंड शोल्डर बन रहा है, इसमें इन्वर्स नहीं बन रहा है, हेड एंड शोल्डर। आप ध्यान दीजिएगा मेरे पॉइंट को, मैं दिखाऊंगा आपको। तो और इसने कहीं ना कहीं आज ब्रेकआउट नहीं दे पाया। मैं इस जगह से, इस हाई से पहले तो एक ट्रेंड लाइन टानता हूँ। इस हाई से मैं इस हाई को ले रहा हूँ, ठीक है? इस हाई को लेने का मतलब है कहीं ना कहीं निफ्टी, बैंक निफ्टी आज भी एक दायरे के अंदर है। और इसका दायरा बोल रहा है इसको कि इसका रेजिस्टेंस पॉइंट है कितना निकल रहा है देखते हैं। बैंक निफ्टी कंपेयर टू निफ्टी बहुत वीक है, और आज भी इतना मेहनत करने के बावजूद भी ये, जब तक कि ये 21300 कितना आ रहा है, 21400 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं देगा, ये 21355 के ऊपर, तब तक इसमें कोई तेजी नहीं बनती है। 21355 के ऊपर अब जब तक ये क्लोज नहीं देता है, 21355 ये क्लोजिंग बेसिस है सारा। और ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन मैंने टाना, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल ट्रेंड को ये इज्जत दे रहा है। और हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांस है कि अब ये एक उल्टा गोता मारे। अगर ये 355 के ऊपर क्लोज कर जाता है 21355, तो आप निकल बिल्कुल इसमें बाई कर लीजिए। उसके बाद कोई सोचना नहीं है, क्लोजिंग होना चाहिए, क्योंकि ये क्लोजिंग वाला चार्ट है। वरना अब ये चांसेस ऐसा है कि वापस यहाँ रिवर्स आए, रिवर्स आके ये यहाँ तक आ सकता है। कहाँ तक? इस जगह तक। और इस जगह का नंबर आता है, फिगर आता है, देखते हैं यहाँ कहीं ना कहीं इसको सपोर्ट मिल सकता है। तो इतना करेक्शन तो इसमें आना बनता है। ये फिगर आ रहा है 19825 तक आ सकता है बैंक निफ्टी, नीचे में 19825 तक भी आ सकता है, 19825 तक भी बैंक निफ्टी आ सकता है नीचे में। और अब मैं बनाता हूँ आपके सामने हेड एंड शोल्डर बैंक निफ्टी में। ये देखिए, अरे यार बार बार लाइन सिलेक्ट करना पड़ रहा। तो कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस पॉइंट है 21355 क्लोजिंग बेसिस, लेकिन निफ्टी में आपने देखा कि कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट आ गया। तो कल बैंक निफ्टी के कारण अगर निफ्टी गिरता है तो थोड़ा थोड़ा निफ्टी, लेकिन एक बार बैंक निफ्टी बड़ी गिरावट दिखा रहा है। कल का दिन बहुत वाइटल है। ये देखिए, ये शोल्डर, ये हेड, आप ध्यान दीजिएगा, ये शोल्डर, हेड एंड शोल्डर तो एक बियरिश पैटर्न होता है, और इनवर्स हेड एंड शोल्डर एक बुलिश पैटर्न होता है। तो निफ्टी में तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर के कारण से वो 1000 पॉइंट बढ़ा। अब इसका नेकलाइन जो है देखिए, वो भी कहीं ना कहीं
सॉरी, उन्नीस हज़ार नौ सौ एक इसका नेकलाइन में सपोर्ट आ रहा है, 19800 ही मान लीजिए, 19800 एक बैंक निफ्टी के लिए बहुत वाइटल लेवल है। अगर वो टूटता तो बैंक निफ्टी वहाँ से 1000 पॉइंट तो दो दिन में गिर जाएगा, 19800 के नीचे गया तो। और देखिए ये करेक्शन भी इसको यहाँ तक लाएगा एक बार, ये इनवर्स, ये हेड एंड शोल्डर का नेकलाइन भी बोलता है कि 19825 तक बैंक निफ्टी आ सकता है, 850 लिख लीजिए, 19850 एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। और या तो 20355 के ऊपर क्लोज करता है तो, सॉरी 21355, मैं बार बार 20 बोल रहा हूँ, 21355 के ऊपर क्लोज करता है तो आराम से आपको 22500 तक जाने की ताकत रखता है, 22500 आराम से जाएगा, मतलब बिना कोई टेंशन के जाएगा 22500। अगर 21355 के ऊपर क्लोज करता है बैंक निफ्टी तो आँख बंद करके आप टारगेट लिख लीजिए 22500। और अगर कल यहाँ से उल्टा रिवर्स होता, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन बोल रही है एक रेजिस्टेंस पे है, तो इसका टारगेट आपका बनता है 19900 बनता है दो दिन में, अगले दो दिन में आना चाहिए। तो ये बैंक निफ्टी दिखा रहा है और निफ्टी अलग ही दिखा रहा है, तो कल या तो निफ्टी अगर खींचने वाला है तो बैंक निफ्टी को खींच लेगा वो, तो निफ्टी कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट दिखा रहा है यहाँ पे। लेकिन अगर कल वापस, क्योंकि आज पहली बार ब्रेकआउट हुआ है, तो कल अगर वापस इसके नीचे क्लोज करता है इस लाइन के, यानी कि कहीं ना कहीं ये लाइन आता है 9475 के नीचे कल क्लोज करता है, तो एक बार इसको फिर से चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रेकआउट एक दिन में कभी भी मैं सफल नहीं मानता हूँ, ठीक है। तो फिर ये भी एक बार घूम फिर के यहाँ 9050 तक आने की ताकत रखता है, कितना रखता है 9050। अगर कल 9475 के नीचे क्लोज करता है निफ्टी भी, तो एक बार ये 9000 को छूने के लिए आ सकता है, वापस आ सकता है 9050 को छूने के लिए। तो कहीं ना कहीं लगता है कल कुछ बहुत ही धमाकेदार दिन होने वाला है दोस्तों। चलिए डाउ बाबा भी भाग चुका है, चलिए कितना भागा देखते हैं। काफ़ी अच्छा बढ़ गया, कल का हाई तोड़ दिया, 435 का कल का हाई था उसको तोड़ दिया, 500 559 का नया हाई बना दिया। चलिए इसका हिस्टोरिकल डाटा देख लेते हम लोग। ये हिस्टोरिकल डाटा, इसमें आप क्लिक करोगे तो आ जाएगा, मतलब पिछले दिनों की क्लोजिंग प्राइस वगैरह, फ्यूचर्स की, ये फ्यूचर्स है, डाउ फ्यूचर्स है, मैं स्पॉट की बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए कल का अप्रैल 28, कल का हाई था इसका 435 और कल इसने क्लोज किया था 24045 पे, और आज इसने लो ही बनाया 24045। तो कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग है, कल का क्लोजिंग को आज लो बनाया इसने और अभी बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया। सुबह लग रहा था कि बाबा जी है, लेकिन बाबा जी तो ऊपर जा रहे हैं, लेकिन अब 8:30 के बाद असली मूवमेंट आएगी। आफ्टर 8:30 आपको चेक करना है कि वापस ये हाई तोड़ता कि नहीं। 559 पे आप ध्यान रखिएगा फ्यूचर्स का, अगर 8:30 के बाद वापस इस हाई के ऊपर जाता है तो कुछ ना कुछ बात अलग है, वरना पहले तो इसका सपोर्ट आएगा 24045, फिर दूसरा सपोर्ट आएगा कल का लो 23878। तो बस जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।